नेक्स्ट हमने अब बात कर रहे हैं हम एल्डिहाइड डी के लिए तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम एस सी एच ओ से बना सकते हो क्या आप नहीं भूल जाओ फॉर्मेल का कोई आइसोमर्स आपको नहीं दिखेगा डी ओ यू वन है और दो एटम ही है कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को तो अपन अलग से देखते हैं तो चेन भी नहीं बन सकती क्या हाइड्रोजन से चेन बनाई जा सकती है नहीं तो ये तो भूल जाओ एग्जाम्पल फोर्टीन हमने ले लिया सी एस सी सी एच ओ ठीक है यानी एसिड एल एल्डिहाइड। तो एसिड एल्डिहाइड आपके पास तीन कार्बन है तो so, मैं इसके लिए सॉरी uh, दो कार्बन है तो so, मैं क्या बना सकता हूं CST, CHO, एक तो यही हो गया और एक क्या बना सकता हूं मैं इोक्सी वन टू इपोक्सी एथेन कहीं कोई दिक्कत नहीं है समझने में तो इसके अलावा आप क्या बना पाओगे आप कुछ भी नहीं बना पाओगे कोई एटम ही नहीं है तो ये आपके टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर दो एग्जाम्पल फिफ्टी अगर आपने ये ले लिया सी टू एच फाइव सी एच ओ देखते हैं, टोटल कार्बन कितने हुए तीन डबल बोन यहाँ आ सकता है डबल बोन यहाँ आ सकता है फिर रिपीटेशन हो जाएगा और कुछ कर सकते हो आप एटम तो कम नहीं कर सकते चेन में कार्बन में कुछ नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं साइकिल का सहारा लो कितने एटम हो जाएंगे टोटल एक दो तीन तीन तो बन सकते हैं और एक ऑक्सीजन चार भी बन सकते हैं तो चार से शुरू करो पहला बन सकता है फिर ऑक्सीजन बाहर आ गया सॉरी ओ एच समझ में आ रहा है और अभी तो इसके इनोल भी बनेंगे तो समझ में आ गया ये बहुत टिपिकल हो जाएगा आपसे ये पूछा जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन ही बताओ इनोल मत बताओ तो आप सोचेंगे फिलहाल तो अपन नॉर्मल बनाते हैं तो ये एल को ओ एच आ गया अब क्या करोगे आप ऑक्सीजन को अंदर ले जाओ ऑक्सीजन को अंदर ले जाओ और सी एस थ्री को बाहर ले जाओ आ गया एक डी ओ यू और क्या कर सकते हो कुछ नहीं ये क्लॉज हो गया अब इनोल बनाओ इसका इनोल क्या होगा ओ एच यह आ गया एक ये इसका इनोल क्या होगा ये भी बन सकता है अब इसके अलावा कुछ बन सकते हैं दिख रहे हैं आपको नहीं देखो अच्छे से तो कितने आइसोमर्स हुए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टोटल आइसोमर्स सेवन लेकिन अब एक और कार्बन बढ़ा तो आपकी क्वांटिटी इतनी बढ़ जाएगी कि वो आंसर हमारे कंपटीशन के बाहर तो यहाँ तक दिया जा सकता है